आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नीना, ऑर्गन डोनर अम्बेसडर फ्रॉम मोहन फाउंडेशन। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवा रही हूँ जिन्हें कौन नहीं जानता। सर प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम कर्नल अरुण दत्ता है और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मेरे को 33 वर्ष तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने का ये एक शुभ अवसर मेरे को प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ मैं पिछले तकरीबन 42 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। भारतीय सेना में रहने के दौरान मेरे को मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल जो है उसमें भी सेवा करने का मौका मिला। मैं मिलिट्री स्कूल धौलपुर उसका प्रिंसिपल रहा हूँ, फिर सैनिक स्कूल इम्फॉल और सैनिक स्कूल कुंजपुरा का प्रिंसिपल रहा हूँ, और वर्तमान में करनाल इंटरनेशनल स्कूल जो एक डे बोर्डिंग कम रेजिडेंशियल स्कूल फॉर बॉयज़ है, मैं उसका चेयरमैन हूँ और इस नाते मैं बच्चों की सेवा के बीच में लगा हुआ हूँ। सर आज बहुत अच्छा लगा कि आज ऑर्गन डोनेशन डे है। इस उपलक्ष्य में मैं आज सर से मिली और सर के जो बातें हैं, जो सर सपोर्ट करेंगे कि हमें किस प्रकार से अंगों का दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम सर के मुख से सुनते हैं। सर आप बताएंगे प्लीज़ कि हमें अंगदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपकी क्या राय है प्लीज़? नहीं करना चाहिए इसका तो सवाल ही नहीं उठता है। ओके। लेकिन अंगदान को अब आगे हमने बढ़ाना कैसे है, इसके बारे में हमने कैसे लोगों को जागरूकता लेके आनी है, ये एक बहुत ज़रूरी विषय बन गया हुआ है। हमारा परमात्मा ने जो हमें शरीर दिया है, जब हमारा अंत समय आता है तो उस वक्त हमारे पास में ऑप्शन ये रहती है कि हम अंगदान जो है उसको कर सकते हैं। बहुत हमारे शरीर के ऐसे अंग हैं जिनको अंगदान में हम दे सकते हैं। तो वो कहते हैं कि महादान अंगदान जो है महादान है, और जैसे किसी ने अगर अपनी आँखें दान में की हैं तो उसके जाने के बाद में भी वो दुनिया को किसी दूसरे के शरीर से भी वो उसको देख सकता है। इसी तरीके से हमारे शरीर में और भी बहुत ऐसे अंग हैं जो दिए जा सकते हैं, और ये हर एक आदमी का फर्ज बनता है कि इस तरीके का जो हमारे देश के बीच में जो ऑर्गन्स की है उसकी शॉर्टेज भी है। बहुत लोग हैं जो बहुत वेट लिस्टिंग में बैठे हुए हैं जिनको बहुत ज़रूरी भी है। तो अगर इस तरीके के अभियान जो वो चलते हैं तो मेरे को पूरा उम्मीद है कि भी सभी लोग इसके बारे में जागरूक रहेंगे और अपने अंगदान जो है वो उसको ज़रूर करेंगे। सर ने बहुत ही अच्छा बताया कि अंगदान तो हमें ज़रूर करना ही चाहिए, और सर ने यह भी बताया कि आज कितने लोग वेटिंग में हैं। क्या आप जानते हैं जब हम रात को सोएंगे और सुबह उठेंगे 49 लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि उनको अंगदान नहीं मिला। परंतु हमें सर के मुख से मैं कहलवाना चाह रही थी कि सर किस तरह से दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हमें अपने अंगों का दान अवश्य करना चाहिए। यदि आप भी ऐसा सोचते हैं कि हमें अपने अंगों का दान करना चाहिए, यदि आपकी कोई भी इंक्वायरी हो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर टोल फ्री है और ये 7 दिन चलता है और 24 घंटे चलता है और 8 भाषाओं में उपलब्ध है। सर का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सर ने इतनी अच्छी जानकारी मेरे व्यूवर्स को दी। और आप भी इस बारे में कुछ ना कुछ सोचना। सर बहुत कुछ बहुत, और बहुत, बात आप कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इतने बड़े मिशन के अंदर मेरे को साथ में जोड़ने की जो जोड़ा है, मैं इसके लिए आपका और आपकी संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस निष्ठा के साथ में इस कार्य में लगे हैं, आप बहुत बड़े लेवल के ऊपर लोगों को जागरूक करेंगे अलग अलग तरीके से, क्विज़, पोएट, पोएम और अलग अलग जो माध्यम हैं इसके माध्यम से हम लोगों तक पहुँचें और लोगों में इस किस्म की जागरूकता उनमें हम तैयार करें, और कोई भ्रांतियाँ अगर किसी के दिमाग में है तो उन भ्रांतियों को हम दूर करें ताकि हम इस मिशन को सक्सेसफुल करें, ताकि जो लोग जिनको अंग की ज़रूरत है उनको अगर समय पे ऊपर मिल जाए तो वो भी अपनी ज़िंदगी को एक बहुत ही
स्वस्थ तरीके से वो आगे उस जिंदगी को जी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हो रहा है कि आज मैं एक ऐसी शख्सियत को ऑर्गन डोनर कार्ड दे रही हूँ जो माने हुए हैं अपनी उपलब्धियों के लिए। इन सर को कौन नहीं जानता। आज मेरा भी जीवन सफल हो गया, सर ने ऑर्गन डोनर कार्ड रिसीव किया। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके सर, बैठिए सर।